press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉप एवरीथिंग चैनल। रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर गुजारा करने वाली रानू मंडल बॉलीवुड सिंगर तो बन ही चुकी हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी पर भी फिल्म बन सकती है। रेलवे स्टेशन पर गाकर जीवन का गुजारा करने वाली महिला रानू मंडल की जिंदगी एक वीडियो के जरिए कुछ ऐसी बदली की उन्हें शायद खुद भी यकीन नहीं हो रहा होगा। सोशल मीडिया सेंसेशन बनने के बाद अब रानू मंडल ने बॉलीवुड में भी डेब्यू कर लिया है। रानू हर जगह छाई हुई है। आलम यह है कि महज कुछ ही दिनों में ही सोशल मीडिया पर उनके ढेर फैन पेज बन गए हैं। ऐसे में आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि अब रानू की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी की जा रही है, यानी कि ऐसी खबर आ रही है कि रानू मंडल पर बायोपिक बन सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की बंगाली भाषा की वेबसाइट के मुताबिक रानू मंडल की बायोपिक को लेकर कुछ जानकारियां भी लीक हो गई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक रानू मंडल की बायोपिक बनने जा रही है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में भी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इस फिल्म को जाने माने निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मंडल बना रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल सितंबर महीने में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये जानकारी भी सामने आ रही है कि इस म्यूजिकल फिल्म में रानू मंडल खुद ही अपनी आवाज देंगी। इसके अलावा मशहूर सिंगर सिद्धार्थ रॉय भी इस फिल्म में अपनी आवाज देंगे। रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि सिद्धार्थ राय ने रानू की बायोपिक वाली खबर को कन्फर्म किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस फिल्म में गाना गाने के लिए ऑफर आया है और मैं रानू मंडल के साथ इस फिल्म को म्यूजिक देने के लिए काफी उत्साहित हूं। बता दें कि रानू बतौर प्लेबैक सिंगर में डेब्यू कर चुकी हैं। वो हिमेश रेशमिया की फिल्म हैप्पी हार्डी और हीर में तेरी मेरी कहानी गाना गाती दिखाई देंगी। इस गाने की एक झलक हिमेश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया था। ये क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई कि खुद हिमेश भी चौंक गए। रानू सिंगर तो बन ही चुकी है, लेकिन अब उनकी जिंदगी की कहानी भी बड़े पर्दों पर देखने को मिल सकती है। तो आप सबको क्या लगता है, रानू मंडल पे बायोपिक कंफर्म है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को करें लाइक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मैं फ्यूचर में कोई सी वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।